अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शाहबुल हसन सिद्दीकी है। मैं ZI हॉस्पिटल में कंसल्टेंट ऑप्थल्मोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। अक्सर लोगों ने ये सवाल पूछा भी है और अक्सर बात भी होती रहती है कि बच्चों में आँखों में जो तिरछापन आ जाता है उसकी क्या वजह है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि किस उम्र में तिरछापन मौजूद है। क्या ये तिरछापन पूरे दिन रहता है या थकावट की वजह से, या बच्चा कभी कुछ सोच रहा हो तो उस वक्त आ जाए। ये तमाम चीज़ें तो आँख के मुआयने के बाद ही जो है वो बेहतर तरीके से आपको बताई जा सकती हैं। लेकिन जो दो बड़ी वजूहात होती हैं आँख में तिरछेपन की, चाहे वो आँख अंदर की तरफ आए चाहे वो आँख बाहर की तरफ जाए, उसमें या तो मसल्स, जिसे हम पट्टे भी कहते हैं, आई के मसल्स की वीकनेस हो सकती है, या फिर चश्मे का नंबर हो सकता है। तो चश्मे का नंबर हो या वीकनेस हो मसल्स की, इन दोनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ है, सबसे पहली चीज़ है, वो है आँख, बच्चों का आँख का मुआयना करना। और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अक्सर ये होता है कि जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, वालदैन आते हैं और कहते हैं कि बच्चों की आँख में तिरछापन है, मगर हम जब देख रहे होते हैं तो उस वक्त तिरछापन मौजूद नहीं होता। आजकल मोबाइल जिनसे तस्वीरें खींची जा सकती हैं, मेरे ख्याल से अमूमी तौर पर हर घर में मौजूद है, और जिस गैजेट पे, जिस पे मोबाइल पे आप देख रहे हैं उसमें तो यकीनी तौर पे कैमरे का ऑप्शन मौजूद हो गई। तो आप कोशिश करें कि बच्चे की तस्वीर इस तरह से लें कि बिल्कुल सेंटर हो, जैसे हम पासपोर्ट साइज़ तस्वीर खींचते हैं, उसका एंगुलेटेड चेहरा ना हो या ऊपर ना नीचे ना देख रहा हो, बिल्कुल सामने हो। हम बहुत सारी स्नैप्स ले सकते हैं, बहुत सारे पिक्चर्स ले सकते हैं, अगर फ्लैश ऑन हो तो बहुत अच्छी बात है। ये आपके आँखों के मुआयना करने वाले डॉक्टर के लिए एक बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत मालूमती चीज़ होगी। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, खुदा ना खास्ता कि किसी के बच्चे को तिरछापन महसूस होता है तो, लेकिन उसकी एक एल्बम बना लीजिए, एल्बम से मुरादी की तस्वीरें खींच लीजिए, और जब डॉक्टर के पास जाएं तो वो तस्वीरें दिखा दीजिए। तो डॉक्टर को मुआयने के साथ साथ इस एल्बम से बहुत फ़ायदा और आसानी मौजूद होगी। शुक्रिया।